अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है आप लोग के? खैरियत है? मैंने सोचा आप लोगों को आज गाँव दिखा दूँ अपना। अभी थोड़ा जा रहा हूँ सी खेतों की तरफ ही, घर से थोड़ा नहा धोवा के कपड़े अपने पहने में ना, थोड़ा सा हम भी साफ सुथरे हो तो जाएं यार। खेती बाड़ी बड़ी प्यारी है यहाँ की, आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे यहाँ का नज़ारा अच्छा होता है यार, सिटी जो होती है ना उनसे अच्छा ये जगह होता है कि मतलब बंदा अपनी आंखें ठंडी कर सकता है सुबह सुबह जाके। थोड़ा सा अभी जा रहा हूँ कज़न के पास, वो पानी लगाया उन लोगों ने, मैंने चलो आप लोगों को गाँव भी दिखा दूँ, व्लॉग भी बन जाएगा। बाकी यहाँ का आप नज़ारा तो देखें, आह क्या बात है, जितना दूर तक नज़र जाती है ना बंदे की वहीं तक हरियाली नज़र आती है। ओए क्या बात है, आओ कभी हमारे गांव आओ, तुमको हम अपना यह वाला खेत दिखावेगा ना, तुम देखो इनको अच्छा लगा हो तो वो नीचे वाला कमेंट होता है ना उसमें ज़रा हमको बता देना आपको ये जगह हमारा गांव कितना अच्छा लगा है कि नहीं। मेरे को तो एक दिन यहाँ पर होता है हमेशा लगता है जैसे हमने पूरा साल गुजार दिया है। अभी आप लोगों को ये 3-4 मिनट की वीडियो कैसी लगी हो तो हमें भी बता देना, हम भी देख लेगा तुम्हारा ये कमेंट पढ़ के, ठीक है ना बच्चों? गाइस कपास का जब मौसम होता है तब वो लोग कपास वगैरह जब निकाल लेते हैं, जब उनकी काश्त हो जाती है, तैयारी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद जब वो सारा सफ़ा हो जाता है तो फिर ये लकड़ियाँ जो होती हैं ना जलाने के काम आती हैं। लोग अपनी अपनी ज़मीन से निकाल के काट के घर रख देते हैं, वो तकरीबन तकरीबन 4-5 महीने से ज़्यादा चल जाती है, फिर दोबारा नया कपास आ जाता है। जब तक दोस्तों कज़न मिल गया मेरा, गायब हो गया था पीछे, अरे मैं ढूंढ रहा था कि मैं तो इधर आया हुआ था, तो कहाँ ढूंढ रहा था मेरे को यार यहाँ का बिल्कुल पता ही नहीं यार, इधर हर तरफ हरियाली है, बंदे का पता ही नहीं लग रहा है कि है किधर को, एक उस तरफ घूम रहे। पानी लगाने आया था, तेरे को बताया तो था पानी लगाने, पानी लगाने में मेरे को उधर मिला नहीं, 2-3 बंदों ने होरों ने लगाया था, मैंने यार इनमें मेरा कजन नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब आ गए। अच्छा हम दूसरा देखते हैं नेक्स्ट। ओए होए होए अगो मन मसाज प्यार लग देगा हंसते, हम अगले कजन के पास जा रहे हैं। ये देखे नाजरीन ये पानी, ये क्या बात है वैसे, पानी आ रहा है। मजदूर शुरू आए, वैसे देहात वालों के अंदर जोर बहुत होता है, सही कहा ना इजाज़ भाई? जोर हाँ, कुश्ती करोगे? नहीं नहीं मेहरबानी, मेरे लिए बहुत है इतना ही। ये देखे 1 मिनट का काम भी 3-4 सेकंड में हो गया। इतना बड़ा दरख्त ये भी लगाओगे? अच्छा लग जाएगा फिर देखो, तो इसको कितने महीने में थोड़ा बहुत हरियाली इस पे भी आ जाएगी? बस 20 दिन के बाद, बस सिर्फ 20? हाँ। वाह देखो, फिलहाल तो अच्छा, फिलहाल तो ऊपर तो बेचारा गंजा है। तो गाइस इजाज कब तक लगे रहोगे यार यहाँ पर हैं तुम लोग? ये दरख्त पानी वहाँ पर लगा हुआ है पता है उसका? अच्छा क्या बात है, आग लगा हुआ है सदा। अच्छा आग लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, ठीक है। दोस्तों सेल्फी स्टिक मैंने पकड़ी हुई है, 1 मिनट दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। मेरे पास सेल्फी स्टिक है, ऐसी VIP सेल्फी स्टिक है ना, आप लोग ज़रूर ये लेना चाहेंगे, सस्ती बहुत सस्ती। नज़ारा दिखा दूँ दोस्तों को, लगे हुए
जान भाई। एक मिनट दोस्तों, आपको सेल्फी स्टिक दिखा दूं। ये मैं निकाल लेता हूँ। सेल्फी स्टिक आई, ये सेल्फी स्टिक, ये आपको सर मिलेगी 100 में भी नहीं, 200 में भी नहीं, 1 रुपये में भाई। यहीं लकड़ियों से उठाइए भाई, दोबारा लगा लेता हूँ। लग जा। एक मिनट, ये दोबारा लग गई। ये ऐसी सेल्फी स्टिक होनी चाहिए बंदे के पास। थक गए? हाँ, रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी रेस्ट कर रहे हो? ठीक, हम भी रेस्ट करते हैं थोड़ा। ये जो बोरिंग वाले ना, मतलब पानी जो दे रहे हैं, तो जहाँ पर पानी का रास्ता नहीं हो ना, वो तो नीचे से पैम्प डाले हुए लोगों ने। मैं आपको बताता हूँ आगे इसी तरह इन लोग, अभी ये जो हमारे खेतों में पानी जा रहा है ना, ये भी इसी तरह इन लोगों ने सिस्टम किया होगा, ज़मीन के नीचे से पैम्प डाल के, ताकि दूसरे की ज़मीन भी ख़राब ना, उधर भी चलता रहे इसी तरह। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पर, अब ये देखें, ये यहाँ से भी मैं, ये जो है यहाँ से पानी निकल रहा है, यहीं से पानी जा रहा है, और ये पैम्प डाले हुए, ये आपको नीचे इधर नज़र आ रहा होगा, ये पैम्प आगे की तरफ वहाँ से आ रहा है। अभी ये अभी यहाँ पर कोई इस तरफ पैम्प में कोई यहाँ से पानी नज़र आ रहा है आपको भैया? इसी तरह पैम्प के नीचे से आ रहा है, पैम्प के अंदर से ही, वहाँ से अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर लोगों ने खेत वगैरह भी किए हुए हैं ना, तो ये खेती वगैरह भी है ये वाली सारी, तो यहाँ पर ख़राब भी जगह ना हो, तो इसी वजह से इन लोगों ने नीचे से गुजारा हो। अभी हमारे खेतों में भी पानी यहीं से इसी तरीके से जा रहा है। अभी यहाँ पर जैसे थोड़ा बहुत सांस उस तरफ पानी कम होता है, जो भी ये हवा जैसे जाता है ना पैम्प के अंदर, तो डायरेक्ट यहाँ पता लग जाता है। देखते हैं, ये देखें थोड़ा थोड़ा हवा वगैरह। तो ये सारा सिस्टम है, इधर काफ़ी तरक्की हो गई है गांव में भी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर। ये मैंने सीखा था यार किसी से, हाँ ना, अपने आप को थोड़ी ऐसी डायलॉग वगैरह आती हैं भाई, शॉर्टकट में हम जिस तरह बोलते हैं वो बताएं यार, वो अंगूठा दे देना, और बाकी ये है कुछ लाइक कमेंट वगैरह नीचे तो कुछ ना कुछ लिख देना, हमें तो यही आता है शॉर्टकट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कर लें यार सब्सक्राइब यार, हम भी आगे आहिस्ता आहिस्ता और नई वीडियो लाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। अभी तो गांव पूरा दिखाना है, अभी तो सिर्फ खेती बाड़ी दिखाइए, बाकी इसके और भी खूबी आप लोगों को बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो हमें याद रखना, अस्सलाम वालेकुम।